हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज आपके चैप्टर टू का सेकंड लेक्चर है। 2.1 में बेटा हमने ये जाना था कि ग्राफ से हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। बेटा 2.2 जो बेसिकली है उसमें तीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो आजकल आता है बहुत कम आता है। सो हमारा फोकस एनसीईआरटी तो है, लेकिन 100 डे के बाद हम ये चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक भी करें, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस एक्सरसाइज में बेसिकली तीन टाइप के कॉन्सेप्ट है बेटा। वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप जानोगे, फैक्टराइज करना, जिसे हम बोलते हैं फाइंड जीरोज। आप जीरोज फाइंड करना जानोगे, हिंदी में बोलते हैं बेटा शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले आप जानोगे शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, फाइंड जीरोस। आप जीरोस फाइंड करना जानोगे। फिर जब आपको जीरोस फाइंड करना आ जाएगा, तो जीरोस के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस। ये मैं क्या पढ़ोगे पहले, रिलेशन बिटवीन जीरोस आप क्या पढ़ने वाले हो, मैं चाहता हूं पहले आप उसे ब्रेन मेकअप कर लो कि हम ये पढ़ने वाले हैं, तभी तो उसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे ना अपने आप को। तो सेकंड पार्ट पढ़ोगे रिलेशन बिटवीन जीरोस, जिसे बोलते हैं हम शून्य को संबंध, शून्यकों का संबंध। इसमें आप अल्फा और बीटा वगैरह जानोगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इसी में आप जानोगे अल्फा बीटा के बीच क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन जीरोस कहलाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जब ये दोनों सीख लोगे, तो आप फाइंड करना जानोगे, फाइंड पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल बनाना जानोगे, जिसे हम बोलते हैं बहुपद ज्ञात करना। हम बहुपद ज्ञात करेंगे, बहुपद ज्ञात करना। ये एक्सरसाइज तीन कॉन्सेप्ट का मेल है। बच्चे क्या करते हैं और टीचर भी क्या करते हैं, 2.2 निकाला, वीडियो पड़ी भी है जी, लाखों वीडियो है, वीडियो उठा उठाओ 2.2 डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। एग्जाम में क्वेश्चन खुला और मुंह फटा, वो ऐसी फटा का फटा रह जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े ना। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट समझिए पहले, फिर आप जितना मर्जी क्वेश्चन कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 लाख क्वेश्चन भी आ जाए कहोगे हाजी आता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। तो ये एक्सरसाइज तीन कॉन्सेप्टों का मेल है। पहला जीरोस फाइंड करना, दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोस, और तीसरा फाइंड पॉलिनोमियल्स, बहुपद ज्ञात करना। पहली बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से बेटा, फाइंड जीरो, शून्य ज्ञात करना, कि शून्य क्या ज्ञात करते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन जीरोस। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके एक साथ चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दोनों समझाता हूं कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उनके बीच रिलेशन कैसा होता है। पहले एक क्वेश्चन समझ लो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अपनी तरफ से। क्वेश्चन हमारे पास है 3x² प्लस का 5x और प्लस का 2। ये क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा जीरोस फाइंड करो, तो देखो किस प्रकार से जीरोस फाइंड करते हैं। जो सबसे पहला नंबर है और जब से लास्ट में नंबर है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। 6 के करेंगे फैक्टर, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। पहले बताओ ये 6 कहां से आया, पता लग गया? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा, 3 2 जा 6, 6 के हमने कर लिए फैक्टर, 2 से करा 3 आ गया, 3 से करा 1 आ गया। क्लियर है? फैक्टर कर लिया हमने। अब 2 और 3 आया फैक्टर करके, तो बताओ 2 और 3 या तो आप प्लस कर लो या माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, आना बीच की संख्या चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 कब आएगा ये बच्चा बच्चा बता सकता है, जब सर जी 2 और 3 आप प्लस करोगे तभी तो 5 आएगा। 2 में से 3 माइनस करो, 5 तो नहीं आया। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो तब भी 5 नहीं आया। 2 और 3 को डिवाइड करके देख लो तब भी 5 नहीं आया। 5 एक ही कंडीशन पे आएगा, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी कर लो। वैसे नॉर्मली प्लस और माइनस ही करते हैं, तो आप प्लस करके देख लो क्या आया, 5 आया। तो हम इस 5 को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देंगे। 3x² प्लस इस 5 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। कौन से दो हिस्सों में? 2 प्लस 3 में तोड़ दिया। x की जगह x है, 2 की जगह 2 है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, एक्सरसाइज उसके बाद आएंगे बेटा। पहले कॉन्सेप्ट समझो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। 3x² की जगह 3x², 2 की x से करोगे 2x आ जाएगा, 3 की x से करोगे 3x आएगा, प्लस 2 की जगह 2 आ गया। क्लियर हो गया? पहले हमने 5 को ब्रेक डाउन कर लिया 2 प्लस 3 में, 2 की x से करोगे 2x, 3 की x से करेंगे 3x।
अब दो डिजिट अलग कर दो, दो डिजिट अलग कर दो, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है एक्स। भाई एक्स ही तो कॉमन है, थ्री और टू में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में एक्स तो है, तो दोनों में से एक्स को हमने खींच के निकाल लिया बाहर, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो इन दोनों के पास है उससे हमने उनसे छीन लिया, हमने उनसे एक्स ले लिया। तो जब इससे एक्स ले लिया तो इसके बाद थ्री बच गया, इसके बाद दो बार एक्स था, इसके पास एक्स बच गया, इससे एक्स आपने कॉमन लिया, इसके पास केवल टू बचा। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो थ्री और टू में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एक्स भी कुछ भी जब कॉमन ना हो तो वहां पे वन लिखते हैं। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो वन जरूर लिखते हैं, क्योंकि वन के टेबल में थ्री और टू दोनों आते हैं तो वन लिख देंगे। और यही ब्रैकेट हम एज इट इज यहां भी लिख देंगे, 3x plus 2, as it is, जो ब्रैकेट ये होगा वही लिखना है, दिमाग में टेंशन नहीं देना, जो यहां लिखना है वो यहां लिखना है, सेम ब्रैकेट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? एक बार स्टार्टिंग से, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर कर ले 2 और 3, 5 को तोड़ दिया 2 plus 3 में, 2 की x से करा 2x, 3 को x से करा 3x, दो अलग कर दिए, दो अलग कर दिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां बचा 3x, यहां बचा 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख दिया, यही ब्रैकेट उतार दिया। ब्रैकेट सेम है, अब हम अपनी भाषा में बोलते हैं एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट के अंदर वाला तो ये है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 1। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, कितने ब्रैकेट बन गए? दो ब्रैकेट बन गए। यही तो मजा है जीरोस फाइंड करने का, एक पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बन गए। अब दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, 3x plus 2 equal to 0 सेपरेट कर लो, और x plus 1 equal to 0 सेपरेट कर लो। पहला अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा। देखिए 0 यहां इनमें से किसी में नहीं लगाना, 0 हम यहां पे आके लगाते हैं, क्योंकि आप जीरोस फाइंड कर रहे हो भाई। अगर आप यहीं पे 0 लगा दोगे तो जीरोस फाइंड कहां करा आपने? जीरोस फाइंड करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता है, तो 0 आप यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्य के लिए शून्य लगाओगे तभी तो शून्य आएगा। अब देखिए 3x लीजिएगा, 3x आएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 और 3 आ जाएगा अपॉन में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? ये पहला आंसर आ गया, x की जगह x, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस 1, ये आ गया बेटा दूसरा आंसर। तो बताओ कितने जीरोस हो गए? दो जीरोस हो गए। इसे हम हिंदी में बोलते हैं शून्य ज्ञात करना, और इंग्लिश में बोलते हैं फाइंडिंग जीरोस। ये तो आपने शून्य निकाला। इस आपको पता है ये वाला मेथड आठवीं क्लास में भी था, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। और मान लीजिए ये अभी आपको थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, और आगे कई चैप्टरों में ये वाला यूज होना है, इलेवंथ में यूज होगा, ट्वेल्थ में। इसको याद कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड, पहले की क्लास से मल्टीप्लाई, इसको ब्रेक डाउन, बीच वाले को तोड़ दो, पहला अलग दूसरा अलग, दो ब्रैकेट अलग, ये पहला अलग, दोनों में से एक ब्रैकेट बाहर वाला एक अंदर वाला, पहला अलग कर दोगे दूसरा अलग कर दोगे आपके दो, ये तो आगे टू जीरोस, ये आपने जीरोस फाइंड करे। अब देखिए इनके बीच रिलेशन, रिलेशन कैसे फाइंड होता है, संबंध कैसे ज्ञात होगा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जीरोस। अब मैं आपको बताता हूं दोनों के बीच रिलेशन, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। आइए संबंध जानते हैं, इन भाइयों के बीच क्या संबंध है आपस में। देखिए संबंध क्या है बेटा, संबंध जानने के लिए आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मतलब है पहला आंसर, और बीटा का मतलब है दूसरा आंसर। अल्फा का मतलब पहला आंसर, शाबाश, और बीटा का मतलब दूसरा आंसर है, गजब, बहुत बढ़िया, मन में चल रहा है, बोल नहीं पा रहे है ना, कोई बात नहीं। अल्फा मतलब पहला आंसर, बीटा मतलब दूसरा आंसर। क्लियर है यहां पर? देख बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब क्या होता है? पहला आंसर। तो पहला आंसर क्या है? माइनस टू अपॉन थ्री, तो माइनस टू अपॉन थ्री लिखेंगे पहला। और बीटा का मतलब क्या? दूसरा आंसर। तो दूसरा आंसर क्या है? माइनस वन, तो माइनस वन। इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? थ्री आएगा, थ्री और वन का एलसीएम थ्री आ गया। माइनस टू की वन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू आएगा, थ्री की वन से करोगे तो माइनस थ्री आ गया, माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव अपॉन में थ्री आ जाएगा, है ना। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों संख्या माइनस की है ना, तो माइनस टू और माइनस की दो सेना, और माइनस की तीन सेना, माइनस की पांच सेना होती है बेटा। माइनस की सेना दो सेना, माइनस की तीन सेना, तो माइनस की पांच सेना, सिंपल, दोनों माइनस की ही सेना है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा दोबारा निकालेंगे, दो बार निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा, दो बार फाइंड करना होता है, दो बार फाइंड करना होता है। दूसरा आंसर देखिए माइनस बी अपॉन ए, ये फाइंड करोगे माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी क्या है, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी। तो बी क्या है? फाइव है, ये रहा ए बी सी, बी ये रहा, और ए क्या है? थ्री। अब आप चेक करो क्या हुआ,
ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, सेम है ना, तो हमारा आंसर सही है। ये है पहला संबंध, पहले इतना नोट कर लो। तो आपने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, पहला आंसर दूसरे आंसर को, पहला आंसर दूसरा आंसर दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब सेकंड और ए मतलब फर्स्ट। तो ये आपका आंसर, ये दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब अब तक का हमारा आंसर सही है। इसे बोलते हैं पहला रिलेशन। अभी एक और रिलेशन है, दो रिलेशन है भाई, दो दो संबंध है भाई, एक संबंध हुआ है ना, अभी दूसरा संबंध भी है क्या, जरा वो सुन ले बेटा। दूसरा संबंध होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है अल्फा की गुना बीटा से होगी, और अल्फा का मतलब क्या बताया था, पहला आंसर, और बीटा मतलब दूसरा आंसर। तो बेटा अल्फा बता, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा माइनस टू अपॉन में थ्री, और बीटा क्या है बेटा, बीटा है हमारा माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, टू वन जा टू हो गया, थ्री की जगह थ्री आ गया, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, टू अपॉन थ्री। क्लियर हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, अब एक बार और अल्फा बीटा निकलेगा। अब फॉर्मूला लगता है बेटा सी अपॉन ए, एक बार इससे फाइंड होता है, एक बार फॉर्मूले से फाइंड होता है, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अब फॉर्मूले से सी अपॉन ए। सी क्या बताया था, सी क्या बताया था, थर्ड वाला, तो थर्ड क्या है, टू है, और ए क्या है, ए हमारा थ्री है। क्लियर हो गई मेरी बात, तो अल्फा बीटा क्या हो गया बेटा, सी अपॉन ए। इसे बोलते हैं दो रिलेशन फाइंड करना। तो आपने अब तक, अभी तो एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो कॉन्सेप्ट, मेरे क्लास में अगर आप हो तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, अगर आप एनसीईआरटी करने आए हो तो मुबारक हो, आप 33 नंबर लेके निकल जाओगे, बस फिर आप यहां के लिए नहीं बने, नंबर चाहिए ना, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं। हमने पहले क्या करा, जीरोस फाइंड किया, ये था पहला कॉन्सेप्ट, जीरोस फाइंड करना, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, जिसमें अल्फा प्लस बीटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, फिर से अल्फा बीटा, तो दो रिलेशन फाइंड होते हैं। तो अब तक दो कॉन्सेप्ट हो गए, अब आते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन निकालो जरा। उसमें क्या कह रहा है देखो, उसमें कह रहा है कि आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं और उनके बीच का रिलेशन भी फाइंड करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक साथ करना है, जीरोस और रिलेशन दोनों एक साथ ही फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें बेटा, देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे मजे से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, हैप्पी हो जाओ, स्माइल दे दो एक, अब स्टार्ट करते हैं ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागना थोड़ी है मुझे, आराम से पढ़ो यार, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, वन की मल्टीप्लाई किससे करोगे, एट से करोगे, तो वन की एट से करोगे क्या आएगा, एट, एट के फैक्टर करेंगे टू से, फोर आएगा, टू से करोगे टू आएगा, टू से करोगे वन आएगा। क्लियर है, ये एरो भी नहीं बनाना, ये एरो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा, सोना मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं बेटा, कभी तू भी पेपर में एरो खींच दे कि सर जी ने रैम्बो बनाया था मैं भी बना दूंगा, मैं भी इंद्रधनुष बना के ही जाऊंगा पेपर में, नहीं नहीं ये तो भाई समझाने के लिए यूज कर रहा हूं बस। तो वन की एट से करा, एट आ गया, एट के फैक्टर कर लिए, ठीक है, लाना क्या है, टू लाना है, तो मैंने क्या कहा था, कुछ भी कर टू ला के दिखा, तो भाई एक बार होता, दो और दो कितने होते, चार, चार में से दो कम कर दे, अगर चार में से दो हटा दूं तो दो ही तो बचेगा, तो इस दो को हमने तोड़ लिया, चार माइनस दो, क्लियर है, इस दो को बीच वाले को तोड़ना है, बाकी सब एज इट लिख देंगे। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स और माइनस एट, बस ये दो की जगह ये तोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर की एक्स से करो, फोर एक्स, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स माइनस का एट, क्या बताया था उसके बाद, दो अलग कर दो, दो अलग कर दो, दो अलग, दो अलग, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, साफ दिख रहा है कि दोनों में एक्स कॉमन है, इससे एक्स छीनोगे तो एक्स बचेगा, इससे एक्स छीनोगे तो केवल फोर बचेगा, क्लियर है। अब देखो टू और एट किसके टेबल में आते हैं, दो और आठ किसके पहाड़ में आते हैं, तो दो के पहाड़ में आते हैं, दोनों दो और आठ दो के पहाड़ में आते हैं ना, ये एज इट इज लिख दो, एक्स माइनस फोर। उसके बाद क्या बताया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस फोर और ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस टू। क्लियर हो गया, कितने ब्रैकेट बन गए, दो ब्रैकेट बन गए। अब दोनों के बीच में जंग छिड़ेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, चलो अलग अलग हो जाएंगे, भारत पाकिस्तान बना देते हैं इनको, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x माइनस का हो जाएगा ये प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा ये माइनस। कितने आंसर आ गए, दो आंसर आ गए, ये पहला, इसे बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा,
दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब निकालेंगे इनका रिलेशन, ठीक है बेटा। अब इनका क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो क्या किसी बच्चे को पहला रिलेशन याद है, हैं? इतने सारे रिलेशन मार्केट में याद रखते हो, ये भी याद कर लो जरा। क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, पहले प्लस कर लो दोनों को। पहला आंसर क्या बेटा, 4, और दूसरा आंसर क्या बेटा, -2। तो 4 में से 2 हटा दो, 2 बचा, क्लियर। और दूसरा फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a था, यही था ना फॉर्मूला। तो -b/a, माइनस कीजिएगा माइनस, भाई माइनस कीजिएगा माइनस, बी ढूंढो बी, ए बी, बी क्या है, बी है -2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो गया। भाई एक माइनस तो ये था और एक माइनस ये भी हो गया, तो प्लस हो गया। बी क्या है, 2, और ए क्या है, ए है हमारा कुछ नहीं तो 1, तो 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है, 2/1 का मतलब 2 होता है। देखो दोनों आंसर सेम आ गया, तो भाई प्रभु पहला आंसर तो अब तक तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, C/a। चाहो तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, पहला मल्टीप्लाई बताओ, पहला क्या है, 4 मल्टीप्लाई, दूसरा क्या है, -2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, C/a, फॉर्मूला था ना C/a, अल्फा बीटा का फॉर्मूला C/a, सी देखो सी क्या है, -8, और ए क्या है, 1, तो -8/1 का मतलब -8। देखो ये दोनों और ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये था हमारा पहला पार्ट, क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, चलो बेटा दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट है बेटा, 4s² - 4s+1, 4s² - 4s+1, फिर स्टार्ट, फिर वही कहानी, पहले जीरोस फाइंड करेंगे फिर रिलेशन। एक तरफ जीरोस फाइंड करो, एक तरफ रिलेशन फाइंड करो, है ना, दो चीज करनी है आपको, तो एक तरफ जीरोस एक तरफ रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू में क्या है, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4, 4 के फैक्टर करो 2 से 2, ये आ गया। क्या करूं कि 4 आ जाए, 4 कब आएगा, 4 कब आएगा, जब 2 और 2 प्लस होगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाओ। तो इस 4 की जगह लिखेंगे 2+2, बाकी जैसा है उसे एज इट इज उतार देंगे। तो क्या क्या लिखोगे, 4s² - 4 की जगह 2+2 आ गया, s की जगह s, प्लस का 1, 4s² - बेटा 2 के s से करो क्या आएगा, 2s। अब बताओ प्लस लिखूं माइनस, यहां प्लस लिखूं या माइनस, यहां माइनस आएगा, है ना भाई जी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पीछे माइनस है, तो भैया माइनस प्लस माइनस अलग अलग साइन में माइनस आता है, डिफरेंट साइन में माइनस आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 के s से करोगे क्या आएगा, 2s प्लस का 1, ठीक है, दो अलग कर दो, दो अलग कर दो, ये तो बताया था, दो अलग कर दोगे, दो अलग कर दोगे। अब 4 और 2, 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2, 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और क्या है दोनों में कॉमन, s, s भी कॉमन है, तो 2 के बाहर में 4, 2 बार में s² में से s कॉमन ले लिया, तो s बचा, भाई 2 बार था, एक बार कॉमन लिया, तो एक बार बचा, माइनस 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 बाहर ले लिया, s बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखोगे, माइनस कीजिएगा माइनस। अब बताओ 2s और +1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2s+1 में कुछ भी कॉमन नहीं हो, मैंने क्या कहा था, जब कुछ भी कॉमन हो तो क्या लिख दो, 1, सबका मालिक 1, जब कुछ भी नहीं है तो भैया सबका मालिक तो वही है, वही देखेगा, तो कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख दो, और यही ब्रैकेट उतार दो एज इट इज, 2s-1। उसके बाद क्या समझाया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, यही तो समझाया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों को सेपरेट कर लो, 2s-1=0 अलग कर लो, 2s-1=0 अलग कर लो, 2s माइनस का क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, s=1, और 2 कहां गया, अपॉन में, ऐसे ही 2s माइनस का क्या हो गया, प्लस s=1, और ये 2 कहां गया, अपॉन में, क्लियर हो गया। ये पहला आंसर और ये बी दूसरा, इसे क्या बोलोगे, अल्फा, इसे क्या बोलोगे, बीटा, तो अल्फा 1/2, बीटा 1/2। चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं आप रिलेशन फाइंड कर पाते हो मेरे साथ, आओ आइए पहला रिलेशन फाइंड कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, 1/2 सर जी, सर जी बीटा क्या है, सर जी 1/2, सर जी 2 और 2 का लघुत्तम एलसीएम लो, 2 आएगा, भाई 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, और 1+1 भी 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1 आ गया, कितना सिंपल है बताओ, 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले से भी तो निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो बी, ए बी, ये रहा बी,
ढूंढो बी, ये रहा बी, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस बी की जगह फोर, और ए क्या है, ए भी हमारा फोर है, ए रहा ना, ये रहा ए, ए भी फोर है, फोर से फोर कैंसिल, आपका वन, चेक करो क्या दोनों सेम है, सेम है, यानी हमारा आंसर प्रभु सही है, ये मतलब है। दूसरा रिलेशन फाइंड करते हैं, चलिए दूसरा रिलेशन ढूंढो बेटा, अब है अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा मतलब पहला आंसर, पहला आंसर क्या है वन बाई टू, और बीटा क्या है बेटा वन बाई टू, वन की वन से मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, टू की टू से करोगे फोर आ गया, तो पहला आंसर क्या आ गया वन बाई फोर। अब फॉर्मूला से निकालेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या लगाओगे, सी अपॉन ए, सी ढूंढो, सी क्या है ए बी सी, सी है हमारा वन, और ए ढूंढो, ए क्या है, ए भी हमारा फोर, तो ये आ गया दूसरा आंसर, क्या आपको समझ में आ गया बेटा। जल्दी से पहले दो पार्ट नोट करो, फिर अगला करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बनाने वाले को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से नहीं देखे ना, तो आप क्वेश्चन को करते रह जाओ भाई साहब, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके साथ एक गेम खेल गया, खेल खेल गया आपके साथ, क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फोकस करो, नागिन की आंखों से देखो जरा इसको, क्या देखिए, एक्स दे दिया उसने लास्ट में और माइनस थ्री दे दिया पहले, जबकि गलत है। तरीका यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। आपके साथ गेम खेल गया वो, उसने एक्स बाद में दे दिया और कांस्टेंट पहले दे दिया, बच्चे ने ध्यान नहीं रखा, वो सिक्स से सेवन की मल्टीप्लाई कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, दो दिन बीत गए, चार दिन बीत गए, आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ध्यान नहीं दिया आपने। तो इस खेल को चलो सही करते हैं, इसको पहले ले आओ बेटा, इसको बाद में ले जाओ, तो सिक्स एक्स स्क्वायर, इसे पहले लाओगे तो माइनस सेवन एक्स, और इसको बाद में ले आओगे तो माइनस थ्री, और सर जी माइनस का आपने प्लस क्यों नहीं करा, अरे बेटा इक्वल टू के थोड़ी दला रहा हूं, कोई इक्वल टू थोड़ी है यहाँ, इक्वल टू के दलाता तो प्लस होता है बेटा, ये तो बस प्लेसिंग चेंज हुई है इसकी, ये पहले आ गया बाद में हो गया, बस इतना फर्क हुआ है। अब चलिए वैसे ही सॉल्व करते जैसे हम सॉल्व करते थे, सिक्स की मल्टीप्लाई किससे करोगे थ्री से, तो सिक्स थ्री जा कितना आ गया एटीन, एटीन के क्या करोगे फैक्टर करोगे, टू से करो नाइन, थ्री से करो थ्री, थ्री से करो वन, अब सब कुछ करके हमें सेवन लाना है, क्या लाना है बेटा सेवन, तो थ्री थ्री जा नाइन भाई, तीन तीन नौ, और नौ में से दो को माइनस कर दो, नौ में से नाइन में से टू को माइनस करो सेवन आएगा, तो सेवन की जगह क्या लिखूंगा नाइन माइनस टू, बाकी जैसा था उसे एज इट इज लिख दो। कैसे लिखेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस जगह माइनस, ये तो हमने लिख दिया माइनस थ्री, बाकी में कोई चेंज नहीं होता, केवल बीच वाले के ब्रेक डाउन करना होता है, इसलिए इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर की जगह सिक्स एक्स स्क्वायर, नाइन के एक्स से करो नाइन एक्स आ गया, अब बताओ यहां माइनस लिखू या प्लस, माइनस या प्लस, ध्यान से सोच के बोलना माइनस या प्लस, शाबाश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा टू एक्स माइनस थ्री, दो अलग कर दो, दो अलग कर दो, बताओ सिक्स और नाइन, सिक्स और नाइन किसके टेबल में आते हैं, थ्री के टेबल में आते हैं, तो सिक्स और नाइन में हमने थ्री कॉमन ले लिया, सिक्स और नाइन में क्या कॉमन ले लिया बेटा थ्री कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है दोनों में एक्स कॉमन है, थ्री टू जा सिक्स भाई तीन दूनी छह होता है, एक्स दो बार था, एक बार आपने कॉमन लिया, एक बार एक्स अब भी बच जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, तीन तिया नौ भाई थ्री थ्री जा तीन तिया नौ, एक्स तो आपने कॉमन ले ही लिया था, प्लस की जगह प्लस, अब बताओ टू और थ्री, टू एक्स माइनस थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने आपसे शुरू से क्या कहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो वन, ठीक है तो वन लिख दो, और यही एजिटी उतार दो 2x माइनस थ्री, क्लियर हो गया बेटा, दो ब्रैकेट बन गए। अब आपको क्या बताया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दो, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दो 3x प्लस वन, एक ब्रैकेट के अंदर आएगा और एक ब्रैकेट के बाहर वाला आएगा, दो भाई बन गए, अब दोनों को सेपरेट कर दो, तो फर्स्ट अलग हो जाएगा, बताओ क्या आएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, 2x माइनस का क्या होगा प्लस, भाई माइनस का ये प्लस हो गया, और x इक्वल टू थ्री, ये टू कहां आएगा बेटा अपॉन में, तो ये हो गया पहला आंसर जिसे हम बोलते हैं अल्फा, ये क्या गया अल्फा। अब दूसरा बताओ 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, 3x बताओ प्लस का क्या होगा माइनस, और x इक्वल टू माइनस वन, थ्री कहां ले जाओगे अपॉन में, तो थ्री आ गया अपॉन में, तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया जिसमें आपने जीरोस फाइंड करे, अब इनका रिलेशन भी तो फाइंड करोगे, तो चलिए बेटा अब इनका रिलेशन बताता हूं, तो चलिए देखो रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन बताओ, फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब पहला आंसर, पहला आंसर क्या है बेटा थ्री अपॉन टू, बीटा मतलब दूसरा आंसर, बीटा बीटा क्या है माइनस वन अपॉन थ्री, दोनों का क्या लोगे एलसीएम, दो और तीन का एलसीएम होता है छह, तीन तिया नौ, दो एकम दो,
नौ में से दो घटाओगे आएगा सात, अपॉन में आ गया छह, तो सेवन अपॉन सिक्स जो होगा ये होगा अल्फा प्लस बीटा। ये तो पहला हो गया, अभी एक बार और करना पड़ेगा फॉर्मूले से। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो, बी क्या है, ए बी, ये रहा बी, ओ सॉरी ए बी, ये है बी, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, बी क्या बनेगा आपका सेवन, और ए ए ढूंढो, ए है हमारा सिक्स, चेक करो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए पहला आंसर सही है। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा दोनों की प्रोडक्ट करनी है। पहला आंसर क्या था बेटा, थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, माइनस वन अपॉन थ्री से, थ्री से थ्री कैंसिल कर दोगे, ऊपर क्या बचा माइनस वन बचा और नीचे क्या बचा टू बचा, माइनस वन अपॉन में टू, ये हो गया पहला। अब दूसरा फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था सी अपॉन ए, सी ढूंढो, सी क्या है, ए बी सी, सी क्या है हमारा, सी है माइनस थ्री, और ए ए ढूंढो, ए हमारा सिक्स, कट जाएगा ये, तीने कम तीन, तीन छह, थ्री वन जा, थ्री टू जा, तो ऊपर क्या बचा माइनस वन और नीचे बचा टू, चेक करो ये दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। अब आता हूं बच्चों फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा है, लेकिन वही है ना, छोटे क्वेश्चन ज्यादा दुखी करते हैं बेटा। तो आओ देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ पार्ट, देखो बेटा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इसमें केवल दो डिजिट है, तीसरा डिजिट है ही नहीं, तो इसको आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है फोर यू स्क्वायर प्लस का एट यू, तीसरा कांस्टेंट नहीं है यहां पे, तो इसको करने का आसान मेथड आपको बताता हूं, जब तीसरा नंबर ना हो तो आसान तरीका है। देखो क्या आसान तरीका है, बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, चार और आठ, फोर और एट किसके टेबल में आते हैं, फोर के, तो दोनों में से एक तो फोर कॉमन ले लिया, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया फोर, और क्या है दोनों में कॉमन, यू भी तो कॉमन है, तो यू दोनों में से, एक तो फोर दोनों में से छीना है और एक यू दोनों में से छीना है, बेचारे का फोर छीन गया, यू स्क्वायर में से यू भी छीन चुका है, इसमें बचा क्या, यू बचा, दो बार था ना, एक बार छीन लिया आपने, फोर टू जा एट, दो बार बचेगा ना, फोर टू जा एट, यू तो आप पहले छीन चुके हो, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, बस हो गया, ये पहला ही दूसरा, दोनों को सेपरेट कर दो, तो पहला सेपरेट करो, फोर यू इक्वल टू जीरो पहला सेपरेट, और यू प्लस टू इक्वल टू जीरो दूसरा सेपरेट, पहला अलग हो जाएगा दूसरा अलग हो जाएगा, हाँ इसमें ऐसे होता है, पहला पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग, खत्म सिंपल। u इक्वल टू जीरो फोर आएगा अपॉन में, तो u इक्वल टू जीरो को फोर से डिवाइड करोगे जीरो, ये हो गया पहला पार्ट, पहला आंसर। दूसरा आंसर देखो, u इक्वल टू प्लस का टू क्या होगा माइनस का टू, ये हो गया सेकेंड आंसर, तो ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, कितने आंसर आ गए, दो आंसर, देखो कितना सिंपल था, इसे बोलेंगे अल्फा इसे बोलेंगे बीटा। अब चेक करेंगे रिलेशन भी, तो चेक करोगे, आओ रिलेशन चेक करते हैं, चलिए रिलेशन चेक करते हैं बेटा। पहला रिलेशन क्या चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बेटा जीरो और बीटा क्या है बेटा माइनस टू, तो जीरो तो कुछ होता नहीं, क्या बचा माइनस टू बचा, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू आ गया। अब फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए, बी ढूंढो, ए बी, बी क्या है एट, तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह एट, और ए ढूंढो, ए क्या है फोर, तो फोर टू जा एट, तो क्या बना माइनस का टू, चेक करो दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो पहला पार्ट इस तरह से करना है, क्लियर हो गया। अब सेकंड रिलेशन, दूसरा रिलेशन याद है, दूसरा रिलेशन में क्या फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो अल्फा क्या है, अल्फा है जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस टू से करेंगे, तो बेटा जीरो की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते आंसर जीरो होता है, जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते आंसर क्या होता है जीरो, हो गया पहला। और दूसरा फॉर्मूले से निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए, तो सी ढूंढो, ए है बी है सी कहां है, भाई सी तो है ही नहीं ना, ए है बी है सी कहां, नहीं है, तो नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे जीरो है, ए बी सी, सी नहीं है तो जीरो है, तो जीरो, और ए ढूंढो, ए क्या है, ए है हमारा बेटा फोर, तो जीरो अपॉन में फोर आंसर जीरो, दोनों सेम आ गए, तो ये हो गया पहला रिलेशन, ये हो गया दूसरा रिलेशन, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था बेटा, फोर्थ पार्ट था, नोट कर लिया आपने। अब आते बच्चे फिफ्थ पार्ट पे, चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, टू मार्क्स के लिए आ जाते हैं। देखो बेटा फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है बेटा टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए क्या कमाल हुआ, ए दे दिया सी दे दिया बी गैप कर दिया, होना तो ये चाहिए ना बीच में टी भी तो आना चाहिए ना, टी स्क्वायर फिर टी आता फिर 15 आता, तो फिर उसी तरह करते जैसा पहला किया था।
लेकिन क्या गेम खेला इन्होंने, इन्होंने गेम खेला जी, पहला ए दे दिया और सी दे दिया, बी गैप कर दिया। तो कोई बात नहीं जी, हम भी कर ले गए जुगाड़ अपना, देखो कैसे होगा। इसके कई मेथड है। पहला मेथड देखो किस प्रकार से, अगर समझ पाओ तो सबसे अच्छा मेथड बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन मेथड आपको समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है। देखो बेटा, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, 15 जो होता है वो अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है, पता आपको। 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 15 आ जाएगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि फॉर्मा लग जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मा लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मा लग गया। एक और मेथड है जो इससे भी आसान है, चलो जी वो मेथड क्या है वो भी देख लो। चलिए देखिए सेकंड मेथड, टी स्क्वायर माइनस 15। सेकंड मेथड इससे भी आसान है, आप डायरेक्ट इक्वल टू में जीरो लिख दो, दो डिजिट है ना, इक्वल टू में जीरो लिख दो। टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 15 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। माइनस का 15 हो गया, प्लस का 15। टी जब ये स्क्वायर जाता है तो बेटा अंडर रूट 15 बनता है, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट 15 बनता है, और अंडर रूट के बाहर लिखते हैं प्लस माइनस। अंडर रूट के बाहर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। कभी भी याद रखना, टेंथ में कभी भी अंडर रूट में लिखोगे तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। तो इसके दो आंसर आ गए, एक बार आ गया अंडर रूट 15 प्लस का, तो प्लस हम लिखते नहीं है, चाहो तो मत लिखो प्लस, क्योंकि प्लस का ऑलरेडी होता है, और एक हो गया माइनस अंडर रूट 15। ये इससे अभी आसान तरीका है। दोबारा देख लो, इक्वल टू में क्या लिख दिया, जीरो, माइनस का क्या हो गया प्लस, स्क्वायर क्या बन गया अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट बनाते एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस का अंडर रूट 15 एक बार माइनस का अंडर रूट 15। दो आंसर आ गए, पहला आंसर दूसरा आंसर, ये अल्फा और ये बीटा। अब आ जाओ रिलेशन फाइंड करते हैं, दो आ गए ना, अब रिलेशन फाइंड करते हैं। आओ रिलेशन यही फाइंड कर लेता हूं, बताओ अल्फा क्या है, अल्फा सर जी है अंडर रूट 15 माइनस सर जी बीटा क्या है अंडर रूट 15, दोनों कैंसिल होकर क्या आएंगे, जीरो। सिंपल, जीरो आ गया, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। अब फॉर्मूले से लगाओ, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस जगह माइनस, बी ढूंढो, ए है सी है बी कहां है, ये ए है ये सी है, बी होता है टी वाला, सिंपल वाला होता है ना फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए होता है स्क्वायर वाला, बी होता है सिंपल वाला, सी होता है लास्ट वाला। यहां बी है ही नहीं, ए है और सी है, सी है बी तो है नहीं, टी वाला है नहीं, तो बी की जगह क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। और ए ए ढूंढो, ए क्या है, ए कुछ नहीं है तो यहां पर वन है, और जीरो अपॉन कुछ भी हो तो जीरो ही आंसर आता है, जीरो अपॉन में कुछ भी होगा तो आंसर जीरो आएगा। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पहला आंसर क्या था बेटा, पहला आंसर था जी अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, माइनस अंडर रूट 15 से। चलिए जी बताता हूं, अंडर रूट 15 बेटा 15 बन जाता है, क्योंकि अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 का मतलब है अंडर रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा या 15 बच जाएगा, लेकिन माइनस भी तो है तो साथ में माइनस। भाई अंडर रूट 15 15 बन गया, अंडर रूट 15 15 बच गया, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्लियर है। और दूसरा फॉर्मा क्या लगाओगे, सी अपॉन ए, सी ढूंढो, सी क्या है, सी ढूंढो, ए बी है नहीं, सी, सी क्या है हमारा, सी ये रहा, सी है माइनस 15, और ए ढूंढो, ए क्या है, ए है हमारा कुछ नहीं तो वन, और वन तो कुछ होता नहीं तो क्या बचेगा, माइनस 15। चेक करो क्या दोनों आंसर सही है, तो ये इसके हो गए अल्फा बीटा, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, और ये इनके रिलेशन। ये कौन सा पार्ट था बेटा, फिफ्थ पार्ट था, जल्दी नोट कर लिया आपने। अब आते बच्चों हम सिक्स पार्ट पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे अब तक, एक तो जीरोस फाइंड करना और फिर उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना, दोनों चीज आप एक साथ कर रहे हो, जीरोस और उनके बीच का रिलेशन। अब आते हैं बेटा लास्ट पार्ट में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सिक्स पार्ट, कई बार एग्जाम में वाला पार्ट आ चुका है। देखिए सिक्स पार्ट क्या है, 3x² - x - 4, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका सी है, अच्छा यहां कुछ नहीं तो वन है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, वन है, ठीक है बेटा, ए बी सी। स्टार्ट करें, तैयार हो सारे बच्चे, तीनों है ना इसमें, इसमें तो तीनों है ना, तो वही तरीका पहला, जैसे पहले स्टार्ट किया था, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 आ गया, 12 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, क्लियर। हाँ तीन है ना, तो पहले की तरह होगा सेम, 3 की 4 से 12 फैक्टर कर लिए, अब बनाना क्या है, 1, 1 चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, 1, कुछ भी करो 1 ला के दो, तो 2 2 4, 4 में से 3 को क्या कर दोगे, माइनस, 4 में से 3 माइनस कर दो, 1 आ गया ना भाई, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा ना, तो इसको क्या लिखोगे,
4 माइनस 3 x की जगह x, बाकी जैसा है उसे एज इट लिख दो, बाकी में कोई चेंज नहीं होता। ये एज इट इज है, ये चेंज हो गया, ये एज इट इज है, केवल बीच वाला डिजिट चेंज होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x की जगह 4x। अच्छा सारे बच्चे मिलके बताओ, यहां माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3x माइनस 4, दो अलग दो अलग। तीन और चार किसी के टेबल में नहीं आते, x तो दोनों के पास है, तो जो कॉमन है वो छीन लो इनसे। तो हमने दोनों में से x छीन लिया, 3 की जगह 3 बचा, x स्क्वायर की जगह x बचा, क्योंकि एक हम छीन चुके हैं, 4 की जगह 4 बचा, x हम पहले ही ले चुके हैं कॉमन। 3 और 4 किसी के टेल में नहीं आते, और जब किसी के टेल में नहीं आते, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या बताया था? 1, तो 1 लिख दो, और क्या बताओगे? ये ब्रैकेट एज इट लिख दोगे, 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट के दो ब्रैकेट बन गए बेटा, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। क्या बोलते हैं से? एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, दो भाई बन गए। अब दोनों में जंग छिड़ेगी, साइड होंगे दोनों, और सेपरेट कर लेते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू, इधर देखो माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस होगा, x इक्वल टू 4, 3 कहाँ आएगा? अपॉन में। ये पहली वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई। x इक्वल टू बेटा प्लस का 1 क्या होगा? माइनस का। ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, दो आंसर आ गए। ये तो अल्फा और ये बीटा, इसे क्या बोलोगे? अल्फा। इसे क्या बोलोगे? बीटा। अब आ जाओ रिलेशन जो अब तक फाइंड करते आ रहे हैं। पहले क्या फाइंड करोगे? पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या आया? अल्फा आया सर जी 4 अपॉन में 3। सर जी बीटा क्या आया? बीटा आया माइनस 1। क्या लोगे इनका? 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी तो नहीं? 4 में से 3 घटाओ 1, अपॉन में क्या आया? 3। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट फॉर्मूले से, तो बताओ बेटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी अपॉन ए, माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो बी, ए बी मिल गया बी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा? 1, और ए ढूंढो, ए क्या है? ए हमारा 3। चेक करो क्या है दोनों आंसर सही है? ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, तो ठीक है हमारा आंसर। अब आते हैं सेकेंड रिलेशन पर। सेकेंड रिलेशन क्या था बेटा? अल्फा बीटा दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहला क्या था बेटा? 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई करनी है, किससे? माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की माइनस 1 से करोगे माइनस 4, भाई 4 एकम 4, माइनस की जगह माइनस, और अपॉन में क्या है बेटा? 3। ये हो गया हमारा पहला आंसर, क्लियर है? अब अल्फा बीटा का दूसरा फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन ए, अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी ढूंढो, ए बी सी, सी क्या है? माइनस 4, और ए क्या है? ए हमारा 3 है। चेक करो क्या ये दोनों सेम है, हमारा आंसर आ गया। और यहां पे आपके दो टॉपिक खत्म होते हैं बेटा, कौन कौन से? एक जीरोस फाइंड करना और एक उनके बीच रिलेशन फाइंड करना। अभी तो आपने दो सीखे, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन मत समझना पहला खत्म हुआ है, दो कॉन्सेप्ट खत्म हुए हैं, जीरोस, फाइंडिंग जीरोस और उनके बीच का रिलेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आपको बताऊंगा फाइंडिंग पॉलिनोमियल्स, पहले ये नोट कर लो। आते बेटा अपने थर्ड रूल पे, दो रूल आपने समझ लिया, एक तो फाइंडिंग जीरोस और दूसरा क्या था बेटा? रिलेशन बिटवीन जीरोस। अब तीसरा क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ, एक द्विघात बहुपद बना के दिखाओ। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए ना बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं द्विघात बहुपद बनता कैसे है। देखिए द्विघात बहुपद आप लिख सकते हो px इक्वल टू, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला देखिए, यहां k लिख देना बेटा, k4 कांस्टेंट है, यहां पर x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है, तो सबसे पहले x स्क्वायर आता है, तो x स्क्वायर माइनस यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब कहोगे अल्फा प्लस बीटा क्या? याद करो वीडियो पूरा देखा है ना, क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा का? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस, अल्फा मतलब पहला, बीटा मतलब दूसरा, दोनों का सम, तो सम ऑफ जीरोस। तो आप अल्फा प्लस बीटा ना लिख के सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। यहां एक्स आएगा और प्लस यहां आएगा बेटा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मतलब क्या है? अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोबारा सुन लो, क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस। दोबारा बोलो, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, और इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब
सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है कभी भी आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और ये जो के है ना, ये हर बार नहीं लगेगा। के कब लगेगा ये मैं आपको फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन के नहीं जब आंख बंद कर दिया और के नहीं, ऐसा नहीं होगा। के कब लगेगा और कब के कब नहीं लगेगा ये बता दूंगा। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो ऐसे ही पुट कर दोगे आप डायरेक्ट। के का कॉन्सेप्ट है, के कब लगेगा नहीं लगेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करें, तैयार हो सारे बच्चे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कर रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। उसमें आपको दो चीज गिवन है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको देखिए दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, आपको लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4। तो यहां क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो दिया हुआ है 1/4। आप इतना ना लिख के सिंपल एक चीज लिख सकते हो, क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है बेटा -1, अल्फा बीटा दिया हुआ है -1। सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ठीक है, फॉर्मूला याद है? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब सिंपल वैल्यू पुट कर लो, के की जगह के आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4। एक्स की जगह एक्स आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, और अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? -1। तो क्या करा आपने? आपने केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू था 1/4 वो लिख दिया, और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -1। फॉर्मूला सिंपल, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा। अब से मैं ध्यान से सुनो, अपॉन में क्या है? 4। इसे अपॉन में नहीं छोड़ना, ये के इसलिए होता है। अगर अपॉन में 4 है तो के लिखना, अपॉन में कोई नंबर है तो के लिखना, और अगर अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो के मत लिखना, के को हटा देना, फिर के की आवश्यकता नहीं है। यहां अपॉन में 4 है ना, इसलिए के लिखा था मैंने। अगर यहां अपॉन में कोई नंबर हो, अगर यहां पर और यहां पर कोई चीज अपॉन में हो तो के लिखना, अपॉन में नहीं हो तो के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या होता है, ये जो अपॉन में 4 है ना, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपॉन में होगा उनकी मल्टीप्लाई सबसे करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस, माइनस ये का माइनस। यहां अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई इसकी भी होगी तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचा 1x, 1 लिखते नहीं तो x बचा, प्लस माइनस माइनस, इसकी भी 4 से, सबकी 4 से मल्टीप्लाई होगी, सबकी, तीनों की 1 2 3। 4 से मल्टीप्लाई करा 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से 4 कट गया, x बचा। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 भाई 4 एकम 4, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल समझ में आ गया? x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, अपॉन में 4 है, सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बचा, और 4 से मल्टीप्लाई करा -4 आ गया। ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है बेटा, पहला पार्ट ऐसे होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन में, ये मिटा देता हूं मैं, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ये हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा √2, और अल्फा बीटा दे रखा आपको 7/3। ठीक है, √2 और 7/3 अपॉन में है ना, तो के साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि अपॉन में नहीं होगा तो के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे बताओगे, बताओ के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, और अल्फा बीटा की जगह 7/3। क्लियर हो गया? केवल हमने वैल्यू पुट कर दी। अब अपॉन में क्या है? 3 है, तो 3 से सबकी मल्टीप्लाई करोगे, जो अपॉन में होगा सबकी मल्टीप्लाई होगी उससे बेटा। तो के की जगह के, चलो सबकी मल्टीप्लाई 3 से करो, इसकी 3 से करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी 3 से करोगे तो 3√2 होगा। आप 6 मत लिख देना, पता लगा 3 2 6 है, हमें मल्टीप्लाई कर ली, 3√2 आएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 बाहर रहेगा, √2 अंदर रहेगा, एक्स की जगह एक्स होगा, प्लस की जगह प्लस होगा, और जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 7। क्लियर हो गया?
ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। कितना सिंपल था, अपॉन में 3 से सबकी मल्टीप्लाई, 3 से करोगे 3x स्क्वायर, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 7 अपॉन 3 से जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 से 3 कैंसिल भी तो होगा तो 7 बच जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आप करोगे, मैं फॉर्मूला छोड़ देता हूं, ये वैल्यू मिटा देता हूं बस। पहला आपको दिया हुआ है 0 और दूसरा दिया हुआ है अंडर रूट 5, 0 और अंडर रूट 5, अपॉन में तो कुछ नहीं है ना तो k लिखने की आवश्यकता, लिख भी दोगे तो गलती नहीं है। कभी आप सोचोगे k लिख दिया सर जी ओहो बहुत टेंशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलते हैं एज पर मार्किंग स्कीम आप कर रहे हो उस समय, जो मार्किंग स्कीम में लिखी आती है उसके अकॉर्डिंग, अगर लिख भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए, अब आपसे वैल्यू पूछूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, और अल्फा बीटा की जगह अंडर रूट 5। क्लियर हो गया बेटा, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। आ जाओ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 0 की एक्स से गुना करोगे तो क्या हो गया 0, तो 0 लिख के फायदा क्या है भाई, 0 की एक्स से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिख के करोगे क्या, तो बचा क्या लास्ट में प्लस का अंडर रूट 5, तो ये जो होगा वो हमारा आंसर आ गया। 0 क्यों नहीं लिखा, 0 लिख के फायदा क्या, चाहो तो 0 लिख दो, माइनस 0 एक्स अंडर रूट 5, वैसे 0 लिखना चाहिए नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट समझ में आ गया, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 1 और अल्फा बीटा भी दिया हुआ है 1। अपॉन में तो कुछ नहीं है ना भैया, अपॉन में कुछ नहीं है तो के लिखूं या नहीं लिखूं, नहीं लिखूं मत लिखो, फॉर्मा लिख दो बस, के छोड़ दो। चलिए अब पूछूं आपसे, अच्छा कर लिया पहले ही, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ, अब आप बताओगे सारे बच्चे एक साथ मन में बोलो और मुझे बोलो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, अल्फा बीटा की जगह 1, 1 दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, 1 के एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल, सो सिंपल। के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपॉन में कुछ था नहीं, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा बीटा की जगह 1, 1 के एक्स से करोगे एक्स आएगा, 1 की जगह 1, सिंपल ये आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, चेक करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह दे रखा बेटा माइनस 1/4, अपॉन में 4 है और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4, दोनों की वैल्यू गिवन है, एक इसका माइनस 1/4, इसका 1/4, अपॉन में है ना तो के तो लगाओगे भैया, तो के लगा दिया, अपॉन में था इसलिए के लगाया, वरना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें, अब आप समझाओगे मुझे, सारे बच्चे एक साथ बताओ, के की जगह के, शाबाश, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह 1/4। क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर ली, इसकी वैल्यू पुट कर ली, अपॉन में क्या है, यहां भी 4 यहां भी 4, दोनों में सेम संख्या है ना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर जी खुराफाती आइडिया आ रहा होगा दिमाग में, बोल नहीं पा रहे होंगे, सर जी यहां 3 हुआ तो अलग अलग नंबर हुए तो भैया 4 3 12 12 से मल्टीप्लाई कर देना, सर जी यहाँ 5 हुआ तो 4 5 20 भाई 5 4 20 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 और 4 कैल्शियम 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना होता है बेटा इनकी, 4 और 4 कैल्शियम 4 है ना तो 4 से मल्टीप्लाई, अलग अलग होगा, 4 3 12 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 कैल्शियम 4 आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो के की जगह के, 4 से मल्टीप्लाई करो 4x² माइनस माइनस प्लस, अब यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, आपको काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1x, 1 तो लिखते नहीं तो x बचेगा, प्लस की जगह प्लस, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा केवल 1 बचेगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया, अब आते बेटा लास्ट पार्ट पे, अंतिम क्वेश्चन है प्रभु भगवान, लास्ट क्वेश्चन समझ लो फिर छुट्टी बाय बाय, एक बार एक लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, के की जगह के आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस जगह माइनस आएगा, बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखोगे 4, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, और अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे 1, के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं लिखा के, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए के हटा दिया मैंने। ठीक है, चलो बताओ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, 4 के एक्स से करो 4x, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
क्लियर हो गया। तो ये बेटा हमारा था एक्सरसाइज 2.2, बड़े अच्छे से साफ कॉपी में से फेयर कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा।